दोस्तों, आपको जैसा पता है, कोरोना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक ऐसी बीमारी जिससे पूरा वर्ल्ड परेशान है, और खासकर आज की डेट में इंडिया बहुत ज़्यादा परेशान है इस बीमारी से, और अभी धीरे धीरे चीज़ें इंडिया में कंट्रोल में आ रही हैं। दोस्तों, इसमें क्या चीज़ है जो कोरोना को कंट्रोल कर सकती है? तो सब लोग यही कहते हैं कि वैक्सीनेशन, मतलब टीका लगवाइए, आपको कोरोना से डर नहीं है फिर। दोस्तों, लेकिन टीका लगवाने के बाद भी ये कहा जाता है कि 100% सेफ नहीं है, बट ये कि आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है, वो बहुत रिड्यूस हो जाता है आपको कोरोना होने के लिए, कि आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ डेवलप होने लगती हैं जो कोरोना को आपकी बॉडी में डेवलप नहीं होने देती या एंटर नहीं होने देती हैं। बट दोस्तों, अभी कई जगह पता चला, जैसे US में या UK में कई लोगों ने, मतलब वहाँ की मैक्सिमम पॉपुलेशन को वैक्सीन लग गई है, लेकिन वैक्सीन लगने के बाद भी उन लोगों में कोरोना के केसेस पाए गए हैं। हालांकि कोरोना हुआ उनको बहुत नाम मात्र के लिए हुआ, मतलब इतना सीवियर नहीं हुआ उनको, और जान जाने का खतरा बिल्कुल नहीं होता आफ्टर वैक्सीनेशन। बहुत कम चांस होते हैं कि अगर किसी को कोरोना हुआ भी वैक्सीन लगने के बाद, तो उसकी जान नहीं जाएगी। अगर जाएगी तो बहुत रेयर केस होगा, हो सकता है उसको कुछ और भी प्रॉब्लम रही हो, या लाखों में एक केस होगा, हज़ारों में एक केस होगा दोस्तों। तो वैक्सीनेशन अल्टीमेट सॉल्यूशन वही है, अल्टीमेटली वही सॉल्यूशन है। बट दोस्तों, जो ये आफ्टर वैक्सीनेशन जो लोगों को कोरोना हो रहा है, तो ये डाउट उठता है लोगों को कि भाई मैंने वैक्सीनेशन ले ली है और मेरे को कहीं कोरोना ना हो जाए। तो मैं इस वीडियो में आपको वो चार ऐसे लक्षण बताऊंगा जो वैक्सीनेशन लेने के बाद आपको अगर आते हैं तो आप तुरंत टेस्ट कराइए, हो सकता है आपको कोविड हो जाए। हालांकि ऊपर वाला ना करे किसी को कोविड हो, लेकिन ये लक्षण अगर आपको मिलते हैं तो आप तुरंत कोविड का टेस्ट कराइए। तो दोस्तों, मैं ब्रजेश वर्मा आपका स्वागत करता हूँ लाइफ जीए चैनल पर, और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। दोस्तों, पहला लक्षण है, कोविड वैक्सीन लेने के बाद अगर लगातार छींकें आ रही हैं, कई दिनों तक लगातार छींकें आती हैं, तो ये कोविड का लक्षण होता है, कोविड के सिम्टम होते हैं। तो ये सिम्टम जिसमें भी दिखें उसको कोविड टेस्ट कराना चाहिए। दोस्तों, दूसरा लक्षण ये है कि अगर वैक्सीन लेने के बाद सीने में भारीपन लगता है, सांस लेने में दिक्कत आती है और कफ की शिकायत होती है, तो उस आदमी को कोविड टेस्ट कराना चाहिए, और ये कोविड का एक लक्षण होता है आफ्टर वैक्सीनेशन। दोस्तों, तीसरा लक्षण है कि अगर आपको कान के अंदर दर्द होता है और आपको लगातार ठंड की शिकायत है, तो ये आफ्टर वैक्सीनेशन, अगर आपने वैक्सीन ली हुई और आपको ये लक्षण नज़र आते हैं, तो ये कोविड के लक्षण होते हैं, इसमें तुरंत आपको कोविड का टेस्ट कराना चाहिए। दोस्तों, चौथा और आखिरी लक्षण ये होता है कि अगर गले में साइड में आपको सूजन है और गले में दर्द की शिकायत आपको लगातार हो रही है, तो ये भी आफ्टर वैक्सीनेशन कोविड का एक लक्षण होता है, और कोविड टेस्ट जरूर कराना चाहिए अगर ऐसे सिम्टम नज़र आएँ आफ्टर वैक्सीनेशन। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने बात की उन चार लक्षणों की, जो आफ्टर वैक्सीनेशन नज़र आएँ तो आपको तुरंत कोविड टेस्ट कराना चाहिए, ये कोविड के लक्षण होते हैं, कोरोना के लक्षण होते हैं। दोस्तों, लास्ट में कहूँगा, ये कोरोना की जो बीमारी है, जो चाइना ने हमें गिफ्ट में दिया, पूरे वर्ल्ड को गिफ्ट में दिया है, हालाँकि अभी जो बाइडन ने इस पर एक इन्वेस्टिगेशन भी बिठाई है, और उनको जो उनकी टीम है उनको डायरेक्शन दिया कि भाई 90 डेज़ में आप इसका ओरिजिन निकालो कि कोरोना कहाँ से फैला है। अगर चाइना से फैला तो भाई चाइना का नाम लो, अगर कहीं और से फैला है तो कहीं और का नाम आप बताइए, लेकिन रीज़न बताइए कि कहाँ से फैला और क्यों फैला। तो दोस्तों, वो फाइनली पता ही चल जाएगा, लेकिन अभी तक तो सबका यही मानना है कि चाइना ने पूरे वर्ल्ड को गिफ्ट में दिया है कोरोना, और चाइना ही इसके लिए जिम्मेदार है, और चाइना ने जानबूझकर कोरोना इन्फेक्टेड होने के बाद जो उनकी वुहान सिटी है वहाँ से इन्होंने इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं रोकी, और पूरे वर्ल्ड में जानबूझकर इसको फैलने दिया गया। और इस पर कई तरह की बात ये भी आती है कि इन्होंने जानबूझकर इसको फैलने दिया गया ताकि वर्ल्ड की इकोनॉमी डूब जाए, और ये जैसा रिपोर्ट भी आई ड्यूरिंग कोरोना पीरियड, आप देखिए चाइना की GDP कितनी इंक्रीज हुई। चाइना एक अकेली ऐसी GDP थी जो पॉजिटिव में, बाकी सारी कंट्रीज़ नेगेटिव में आई, वहाँ पे प्रोडक्शन बंद नहीं हुआ, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बंद नहीं हुई, वहाँ पे पूरा प्रॉपर, आप देखिए कई वीडियोस तो ऐसी आई इंटरनेट पे, हमने देखा कि लोग वहाँ पे जश्न मना रहे हैं, पार्टियाँ हो रही हैं। तो दोस्तों, इससे लोगों का एक नेगेटिव थाट जाती है चाइना की तरफ। फाइनली मैं यही कहूँगा दोस्तों, कोरोना से बचने का उपचार बाद में आता है, पहले आप अपने आप को सुरक्षित रखिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, हाथ को जरूर धोइए, और हाँ, अगर वैक्सीन नहीं लगवाइए तो वैक्सीन जरूर लगवाइए। थैंक यू।